हेलो हेलो, मैं कुपर स्कूल से हिना टीचर बोल रही हूँ। हाँ आप बोलिए मैडम। देखिए, आप मुन्नी के पेरेंट्स बोल रहे हैं ना? हाँ। देखिए, आपकी बेटी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है, ऐसे कैसे चलेगा? कल आप कुछ भी करके उसकी फीस जमा करवा देना। जी मैडम। ये बोलना मत, कल आखिरी दिन है आपके पास। जी मैडम, मैं करवा दूंगी। धन्यवाद। क्या करूं मैं, मुन्नी की फीस पिछले कई महीनों से बाकी है। क्या करूं मैं, मुन्नी की फीस पिछले कई महीनों से बाकी है। अगर अब फीस नहीं भरेंगे तो मुन्नी को स्कूल से निकाल देंगे और मुन्नी की पढ़ाई का क्या होगा? मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही चारा है, माँ ने जो सोने की अंगूठी दी है ना, वो बेच देती हूँ। कम से कम मुन्नी की फीस तो जमा हो जाएगी, लेकिन अगर इनकी भरोसे बैठी रही ना तो पता नहीं क्या होगा। मुन्नी की पढ़ाई भी तो खराब होगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। मुझे इसे बेचना ही होगा। पी लो बेटा, अच्छे बच्चे मन पियो ना बेटा, प्लीज बेटा पी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, पी लो बेटा। मम्मा हाँ? एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। शराब क्यों पीते हैं? वो तो गंदी चीज है ना। तू बैठ मुन्नी, मैं देखती हूँ। बेटा तू बैठ। आ गए आप? फिर से शराब पी रखी है आपने। कितनी बार बोला है कि शराब मत पिया करो, पर आप है कि सुनते ही नहीं हो, काम काज कुछ करते नहीं हो और शराब के नशे में धुत रहते हो। काम काज कुछ करते नहीं हो। अरे हटना, दिमाग मत खराब करना। सुनिए, मुन्नी की फीस भरने के लिए कहा है, पैसों का बंदोबस्त। 5 महीने से फीस नहीं भरी, टीचर ने भी कितनी बार बोला। सुनिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
जा मुन्नी बैग ले ले वहाँ से। सुनो वो कंघा देना। सुनिए मैं क्या कहती हूँ, आप कुछ छोटा मोटा काम कर लीजिए और हाँ शराब पीना बंद कर दीजिए। मुन्नी भी ये सब समझने लगी है, उसे भी ये अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी जान तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, आज मैं एक नौकरी के लिए जा रहा हूँ, अच्छी तनख्वाह मिलेगी मुझे और हर महीने मुन्नी के नए कपड़े लाएंगे, मुन्नी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुन्नी तैयार हो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो आ जाओ मेरी बच्ची, अच्छी आ जाओ मेरी बच्ची शाबाश आ जाओ, मम्मा को टाटा बोलो बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, मम्मा को टाटा करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। फिर शराब हद कर दी आपने तो। स्कूल से फोन आया था मुन्नी के फीस के बारे में, मिल गई नौकरी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे शांति रखना, बोलो ना, भर देंगे मैं। शराब पीने के पैसे मिलते हैं और मुन्नी के फीस के बारे में बोला तो वो नहीं कर सकते, मैं आपसे कहती हूँ, अरे कुछ बोलो। तेरे को समझ में नहीं आता, कितनी बार बोला तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को तो मजा जगाना पड़ेगा, तेरे को कितनी बार बोला समझ में नहीं आता तेरे को, दिमाग खराब कर देती है मैं। बड़ी शर्म की बात है, आज भी दुनिया में वसुंधरा जैसी कई औरतें हैं जो चुपचाप अपने पति का मार खाती है, लेकिन क्यों? एक तरफ हम कहते हैं कि स्त्री शक्ति का अवतार और दूसरी तरफ औरतों पे हो रहा ये अन्याय। जब रमेश शराब पी के अपनी पत्नी को पीटता था तो क्या ये बात पड़ोसी नहीं जानते थे? लेकिन वो सोचते हैं हमें क्या, जब तक हमारे दिमाग से हमें क्या नहीं जाएगा तब तक हर वसुंधरा के साथ ये अन्याय होता रहे। वसु कल रात को जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, मैं होश में नहीं था कल रात को। ये लो पैसे, मुन्नी की फीस भर देना। ये पैसे? इतने पैसे कहाँ से लाई तुम? मेरे माँ ने सोने की अंगूठी दी थी, वो मैंने बेच दी। वसु तुम जरा भी चिंता मत करो, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी ना सबसे पहले हम अंगूठी खरीदेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुन्नी के स्कूल का टाइम हो गया, मुन्नी चलो बेटा चलो। अरे हाँ यार, वो बच्ची को छोड़ने आ रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो?
यार तू भी चलना। उसके घर लड़का हुआ है, उसने पार्टी रखी है, तू भी चल साथ में, मजा आएगा। अच्छा लेकिन यार वो क्या है, मुन्नी की फीस भरनी है और आज आखिरी दिन है। अरे दो घंटे बाद चले जाना, अब ऐसा है ना हम में से कुछ साथ आ जाएगा, टेंशन क्यों लेता है, चल चलो यार दो घंटे बाद करेंगे पार्टी करेंगे। चलो ठीक है, वैसे भी ये ऑफिस है ना 10 बजे पार्टी खुलने वाली, लेकिन मुझे फीस भरनी आज और आखिरी दिन है, तुम लोग आओगे ना पक्का? चलो पार्टी करते हैं, चलो 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 पार्टी चलो। सही कहा है किसी ने, जैसा संग वैसा रंग। रमेश मुन्नी की फीस भरने के लिए ही खड़ा था, उसके शराबी दोस्त उसे पार्टी में ले गए। मतलब हमारा ग्रुप सर्कल हमारे जीवन पर भी असर करता है। अगर हमारा ग्रुप सर्कल अच्छा है तो वो हमें सही सलाह दे, वरना जो रमेश के साथ हुआ वो हेलो, मैं कुपर स्कूल से प्रिंसिपल राणा बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी मुन्नी की फीस पिछले 5 महीनों से बाकी थी, वो आपको बोला गया था, आखिरी दिन भी दिया गया था, फिर भी आपने वो जमा नहीं करवाई। क्या लेकिन मैंने आज सुबह ही अपने पति के साथ फीस भिजवा दी है। पता करवाइए, आज फीस जमा नहीं हुई है। जी जी हाँ हाँ, मैं पता करवाती हूँ। अभी भी फोन नहीं लग रहा है। अभी भी फोन स्विच ऑफ है। बहुत टाइम हो गया, अब जाना पड़ेगा। क्यों? अरे यार देर हो गई, वो मुझे ये फीस के पैसे भरने थे, उसमें भी आधे पैसे खर्च हो गए। अरे यार रमेश, लेकिन एक बात तो है, तू दिल का राजा है, सुबह से पी रहे, समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अरे यार बैठना थोड़ी देर यार, और मंगा दे पी तू भी। हाँ यार, यारों के साथ पीने का मजा ही कुछ और है। देख यार, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर हो गई। यार रमेश, तू अपनी बीवी से इतना डरता क्यों? बीवियां तो पैरों की जूती होती है। बैठ अभी बैठ, थोड़ी देर ठीक है। यारों की बात है आ गए आप, फिर शराब पी रखी है आपने। स्कूल से फोन आया था, मैंने जो आपको पैसे दिए थे मुन्नी के फीस भरने के लिए, तो आपने क्यों नहीं भरे पैसे? मैं भर दूंगा। कैसे भर दोगे? वो बस वो पैसे दरअसल मुझसे खर्च हो गया है। उन पैसों से आपने शराब पी ली? आपको पता है वो पैसे मैं कहाँ से लाई थी? मेरे माँ ने जो अंगूठी दी थी ना सोने की, उसको बेच के मैं लाई थी। कैसे बाप हो आप? वो तो टेंशन मतलब मैं भर दूंगा। कैसे भर दोगे आप? कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो आप। कैसे बाप हो आप? आपको शर्म आनी चाहिए। वो तो बोल रहा मैं भरूंगा, समझती नहीं, समझती नहीं तू। मुझे तुमसे घिन आती है। अच्छा?
अब मुझे गिरा दिया ये, और तो कैसे रहो मुझे गिरा दिया मुझे गिरा दिया मेरे को पता नहीं चलता कितने बार से मुझे दमते हो क्या करोगी गिरा दिया मुझे बच्चा बेटी तेरे मार से लाके वो मार गया से पापा मामा को मत मारो तुझे बोला ना मुन्नी हट जा तू बच्ची की मौत हो गई ये क्या हो गया मुन्नी मुन्नी वसु मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ मारो मुझे मारो ये मुझसे क्या हो गया मेरा मुन्नी मुन्नी क्या हो गया मुन्नी ये क्या हो गया मेरे हाथ से ये क्या हो गया मैं पापी हूँ मैं गुनेगार हूँ तुम्हारा वसु मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ मारो मुझे मारो ये क्या हो गया
क्या हुआ था इधर? बच्ची मर गई। कैसे, क्या हुआ था? वो दारू पी के आया था, औरत के साथ झगड़ा कर रहा था, रोज दारू पीता था, झगड़ा करता था, बच्ची को मार दी, झगड़े में धक्का लगा और बच्ची मर गई। ए, इधर आओ, इधर आओ। क्या इधर क्या हुआ था? रोज दारू पी के आता था, औरत से झगड़ा करता था और नशे में दूध होके रोज आता था। क्या हुआ था सर? बच्ची के बाप रोज शराब पी के आता था और पड़ोसी ने बताया कि शराब के नशे में अपनी बी को मारता था, और शराब के नशे में बी को मार रहा था, बेटी बीच में आई तो धक्का मार दिया और जोर से धक्का मारा और बच्ची गिर गई और सिर में चोट लगी और बच्ची मर गई। अच्छा ठीक है, देखा आप लोगों ने नशा क्या होता है, एक बाप के हाथों उसकी ही बेटी की मौत हो गई। शराब के नशे में धूत ये आदमी रोज अपनी औरत को मार रहा था। अरे आप लोग कैसे पड़ोसी हो, कभी पुलिस को इत्तला नहीं की? पुलिस भगवान नहीं होती है कि उसे अपने आप सब पता चल जाए, उसके लिए आप सबको जागना होगा। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो आप पुलिस से डरिया नहीं, पुलिस को खबर कीजिए, आपका नाम पुलिस गुप्त रखेगी। आप लोगों को पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस को सहयोग देने की जरूरत है, ताकि आपके आसपास कोई गुनाह होने से पहले उसे रोक सके। आपकी एक कोशिश होने वाले अपराध को रोक सकती है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताता हूँ, पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है। ध्यान रहे, हवलदार ले आओ, उसे डाल दो हवालात में। किस तरह एक मासूम सी बच्ची खत्म हो गई? कौन गुनहगार है, आप, मैं या हमसे बना ये समाज? तो जवाब है, हमसे बना ये समाज। जब रमेश शराब पी के अपने पत्नी को मारता था, तब अगर पुलिस में किसी ने कंप्लेंट की होती तो शायद मुन्नी आज जिंदा होती। आज कई एनजीओ ऐसे हैं जो शराब के खिलाफ लड़ने वालों को सहयोग करते हैं, और कई संस्थाएं ऐसी भी है जो औरतें और बच्चों के बचाव में लड़ती, उन्हें प्रोटेक्शन दिलवाती है, और पुलिस भी ऐसे शराबियों को जम के सबक सिखाती है और नशा मुक्ति अभियान भी चलाती है। तो कब तक सोते रहोगे आप लोग? जनता जागे तो देश आगे। जय हिंद।